हेलो मित्रों, अगर आपने कभी किसी अंतिम संस्कार में भाग लिया होगा तो आप जानते होंगे कि सबको शमशान घाट में ले जाने के लिए एक बांस की लकड़ी का उपयोग करके एक अर्थी बनाई जाती है। ऐसा करने के पीछे हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में कुछ वजीब कारण बताए गए हैं। आइए जानते हैं इन्हीं कारणों के बारे में आज के इस खास वीडियो में। नमस्कार मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल MS बाबा माइकोलॉजी में आपका स्वागत है। मित्रों, सनातन धर्म में सभी मनुष्य के जीवन में जुड़े 16 संस्कारों के बारे में बताए गए हैं। मनुष्य के जीवन में अंत में अंतिम संस्कार कितना नियमबद्ध और महत्वपूर्ण है यह बताने की हमको आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसी संस्कार में व्यक्ति को शमशान घाट तक ले जाने के लिए बांस की लकड़ी का उपयोग करके एक अर्थी बनाई जाती है और उस पर मृतदेह को रख कर शमशान घाट ले जाया जाता है। लेकिन आप में से कितने लोग ये जानते हैं कि अर्थी को सिर्फ बांस की लकड़ी से ही क्यों बनाया जाता है? आइए हम इसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं। दरअसल जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका शरीर काफ़ी भारी हो जाता है। ऐसे में व्यक्ति के शरीर को ले जाने के लिए बांस की लकड़ियों की अर्थी बनाई जाती है, क्योंकि बांस की लकड़ियाँ लचीली होती हैं और सभी छोटी छोटी लकड़ियाँ मिलकर व्यक्ति के शरीर को संभाल देती हैं। इसलिए अर्थी में बांस की लकड़ियों का उपयोग किया जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे धर्म ग्रंथों में यह तक बताया गया है कि बांस के खोकल में नाग तरंगों के प्रभाव से वायुमंडल में सूक्ष्म अग्नि ज्वाला का निर्माण होता है और इसमें तरंगों से अभिमंत्रित वायुमंडल की कक्षा में अर्थात अर्थी पर मृतदेह रखने से चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण होता है। अधिकांश समय में अर्थी पर रखे मृतदेह पाताल से पक्षपीत कष्टदायों से सुरक्षित रहती हैं। इससे मृतदेह के पास आने वाली अनिष्ट शक्तियों पर अंकुश लगाना संभव हो जाता है। तो मित्रों, यह तो बात रही बांस के उपयोग की अर्थी में। अब इससे जुड़े एक और तथ्य से अवगत कराते हैं। अर्थी में बांस की लकड़ी का ही उपयोग होता है, लेकिन आपने कभी चिता में बांस की लकड़ी को जलते हुए नहीं देखा होगा। अब ऐसा क्यों किया जाता है, इसके पीछे भी धार्मिक कारण मौजूद हैं। मित्रों, धार्मिक परंपराओं के अनुसार बांस जलने से पितृदोष लगता है। वहाँ जन्म के समय जो नाल माता और शिशु को जोड़े रखती हैं भी बांस के वृक्ष के नीचे ही गाड़ा जाता है, ताकि वंश सदैव बांस की तरह बढ़ता रहे। इन्हीं कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे धर्म शास्त्रों में बांस को जलाना पूरी तरह से वर्जित बताया गया है। और मित्रों, ऐसा नहीं है, इसके पीछे धर्म कारण को आधार बताए गए हैं। इससे जुड़े वैज्ञानिक कारण भी हमें मिलते हैं, जो कि इस प्रकार है। बांस में लेड सहित भारी धातुएं होती हैं जो जलने के बाद उसमें ऑक्साइड बनती हैं और ऑक्साइड मनुष्य के लिए जहरीले और खतरनाक होते हैं। इसलिए अर्थी का प्रयोग करने के बाद उसको शमशान के एक ओर रख दिया जाता है, यानी कि अर्थी को चिता के साथ जलाया नहीं जाता है। इसलिए बांस का अर्थी में उपयोग पर्यावरण संतुलन का एक कारक भी बनता है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि अर्थी में बांस के उपयोग की धार्मिक महत्व आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही इसी कारणों की वजह से उपयोग में लिया गया बांस की लकड़ी को जलाया नहीं जाता है। यदि इससे जुड़ा आपके मन में कोई और सवाल है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ में यह जरूर बताएं कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी और शेयर करना ना भूलें। अपने मित्रों और रिश्तेदारों को भी ज़रूर बताएं, शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।